फ्रेंड्स, आपका स्वागत है राधा रेसिपी किचन में। और मैं बनाने जा रही हूँ आज वेज मोमोज, जो खाने में बहुत अच्छे लगते हैं और बनाने बहुत जल्दी बन जाते हैं। आपने पत्ता गोभी की तो खाई होगी, लेकिन मैंने एकदम बच्चों के हिसाब से ही बनाया है। जो बच्चे वेजिटेबल्स नहीं खाते हैं, तो कम से कम इसमें मोमोज में वेजिटेबल्स डालते हैं तो बच्चों को खाने में अच्छे तो लगते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो वेज मोमोज बनाने के लिए हमें किस किस चीज की आवश्यकता होती है, तो सबसे पहले मैंने 2 से 3 गाजर ली हुई है, जो छील के साफ कर ली और कद्दूकस कर लिया, बढ़िया कद्दूकस करना है। ये मैंने 2 पत्ता गोभी लिया है, जो मैंने छील के साफ करके कद्दूकस कर लिया, पत्ता गोभी को भी साफ कर लिया है। ये 1 इंच अदरक का, अदरक को कस लिया है मैंने। 1 छोटी सी प्याज है, इसको भी बारीक काट लिया है। 1 हरी मिर्ची है, इसको भी बारीक काट लिया है। ये लहसुन 3 से 4 लहसुन की कलियां हैं, जो मैंने इसको भी बारीक काट लिया है। ये शिमला मिर्ची है, एक इसको भी काट लिया, लेकिन ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहें तो डालिए, नहीं डालना चाहे तो मत डालिए। 1/2 चम्मच काली मिर्ची पिसी हुई, नमक 2 चम्मच टेस्ट अनुसार। ये 1 कप छोटा वाला तेल है, रिफाइंड। 2 कप मैदा लेनी है, 1 कप पानी लिया हुआ है, जितनी जरूरत हो उतना। वेज मोमोज की स्टफिंग तैयार कर लेते हैं, क्योंकि थोड़ा ठंडा होने में भी टाइम लगेगा। सबसे पहले मैंने गैस ऑन किया है, एक कढ़ाई रख दी, उसपे 2 चम्मच ऑयल डालेंगे। थोड़ा ऐसे ऑयल डालना है, ज्यादा नहीं डालना है। थोड़ा ऑयल गर्म होने दे। देखिए मेरा तेल गर्म हो गया अच्छे से। अब मैं सबसे पहले इसमें लहसुन डालूंगी, लहसुन और अदरक से बहुत अच्छा फ्लेवर आता है मोमोज में। इसकी चटनी भी बनाओ तो चटनी में ही बहुत टेस्टी लगती है। अब मैं इसमें अदरक डालूंगी, हरी मिर्ची, और इसको चलाएं। इसके बाद ये पतली सी प्याज, जो प्याज काटी हुई थी मैंने, तो ज्यादा ब्राउन नहीं करना है, हल्का हल्का भूनना है। अब ये शिमला मिर्ची डाल देते हैं इसमें, सबको अच्छे से मिक्स करना। इसके बाद ये गाजर और पत्ता गोभी कसा हुआ, इसको ज्यादा नहीं पकाना है, सब्जी की तरह नहीं पकाना है, बस हल्का सा इसको पकाना है। इसको भी अच्छे से मिक्स कर देते हैं। देखिए ये कंप्लीट हो चुकी है स्टफिंग। अब इसको बाहर निकाल के ठंडा होने रख देते हैं, जब तक मैदा का डो लगा लेते हैं। देखिए मेरी मोमोज की फिलिंग तैयार हो चुकी है। सिर्फ मैंने इसको 5 मिनट के लिए ही पकाई है, ज्यादा देर तक नहीं पकानी इसको। अब मैं इसको ठंडा होने रख देती हूँ, अब इसको 5 से 10 मिनट के लिए, जब तक मैदा तैयार कर लेते हैं। अब मैदा का डो तैयार करना है मोमोज के लिए, तो सबसे पहले इसमें नमक डालना है। 1/2 चम्मच नमक लिया था मैंने, अच्छे से मिक्स कर लें इसको। अब इसका डो तैयार करें, इसमें पानी डालें और इसको ना ज्यादा सख्त आटा डो लगाना है इसका, और ना ज्यादा सॉफ्ट, मीडियम लगाना बिल्कुल। अगर ज्यादा गीला हो जाएगा तो आपसे ये बिल नहीं पाएंगे, ढंग से बन नहीं पाएंगे मोमोज, चिपकेगा भी। इसको बिल्कुल पूड़ी की ही तरह आटा लगाना है इसका, इसे पूड़ी के लिए, पूड़ी पराठों के लिए लगाते हैं। हम इसको अच्छा सा तैयार कर लेते हैं, सॉफ्ट सा। देखिए मेरा डो तैयार हो चुका है मोमोज का, मैंने बिल्कुल सॉफ्ट डो लगाया है। और ये वेट में 2 कप है,
और 500 ग्राम के करीब है। और इसमें मेरा एक कप पानी लगा हुआ है। अब मैं इसको 5 मिनट के लिए इसको रख देती हूँ। 5 मिनट के लिए मैं ढक के रख देती हूँ इसको। जब तक डो रेस्ट कर रहा है, 5 मिनट के लिए मैंने रेस्ट पर रख दिया है। जब तक मैं पानी उबलने रख देती हूँ स्टीम के लिए, मोमोज स्टीम करना है तो मैंने 5 गिलास उसमें पानी डाला हुआ है। इसके ऊपर एक चली रख दी है स्टील वाली, और आप चाहो तो स्टीमर में भी कर सकते हैं, मोमोज स्टीमर भी मैं कर सकते हैं, या फिर इडली वाले में भी बना सकते हैं, लेकिन मैं चली में और भगोनी में बनाऊंगी। इसके ऊपर ऑयल लगाना है, इसको ग्रीस करना अच्छे से। इस तरह ऑयल लगाना ताकि मोमो चिपके नहीं। और गैस थोड़ा स्लो कर देते हैं, पानी उबलने लगे, इसके बाद ही मोमोज रखेंगे। मैंने एक कप मैदा और लिया है। मैं 2 कलर के मोमोज बनाऊंगी। वो मैंने ये आधी चम्मच नमक लिया है। मैं अलग से डो लगाऊंगी इसका भी। मैंने ये रेड कलर लिया है, फ्रूट कलर है, आधी चम्मच मैं इसको डालूंगी। मैंने पानी में डाल रखा है, इसको खोलूंगी। अब मैं इसको डो तैयार करूंगी, कलर वाला डो। मैं 2 कलर के मोमोज बनाएंगे, देखने में बहुत ही अच्छे लगते हैं ये कलरफुल मोमोज। इसका बिल्कुल सॉफ्ट डो लगाना है। देखिए मेरा ऑरेंज कलर का भी डो तैयार हो चुका है। अब इसमें थोड़ा सा ऑयल लगा देते हैं। इसको भी 5 मिनट के लिए 5 मिनट के लिए रख देते हैं। इसको भी 5 मिनट के लिए ढक के रख देते हैं। 5 मिनट हो चुके हैं, अब डो मेरा तैयार है। और अब मैं मोमोज बनाना शुरू करती हूँ। गैस ऑन करते हैं। सारी लोई बना के रख लेते हैं। इसका भी और ये ऑरेंज वाले का भी। इसको बेलते हैं। छोटी पूड़ी की तरह बेलना है। गैस स्लो कर देना है बिल्कुल। अब इसमें फिलिंग भरेंगे। इस तरह बेलना है। अब मैं इसको बंद करूंगी। इस तरह पूरा इसको बंद करना है। देखिए मेरा मोमोज तैयार हो गया है। अब मैं इसी तरह सारे बना के रख लेती हूँ। देखिए मेरे मोमोज तैयार हो चुके हैं, मैंने बना लिया। मैं इसको स्टीम होने रखूंगी मोमोज को। देखिए मेरे अच्छे से पानी उबल रहा है। मैंने इसमें तेल लगा के ग्रीस भी कर लिया था। अब मैं एक एक करके मोमोज रख देती हूँ। अब मैं इनको 10 से 5 मिनट के लिए स्टीम होने दूंगी। ढक के रख देती हूँ इसको। इसके बाद देखेंगे। 5 मिनट हो चुके हैं, देखते स्टीम हुए कि नहीं। अभी मोमोज अच्छे से स्टीम हो चुके हैं। अब इनको पलट देते हैं।
ये मैंने इसे पलट दिए। अब सिर्फ 5 मिनट के लिए और इसको स्टीम कराना है। देखिए मेरे मोमोज कंप्लीट हो चुके हैं, अब इनको निकाल देते हैं। स्टीम हो चुके पूरी तरह, मैश ऑफ कर देते हैं। देखिए मेरे पूरे मोमोज कंप्लीट हो गए हैं, देखने में कितने अच्छे लग रहे हैं, कलर वाले कलरफुल, खाने में भी उतने टेस्टी होते हैं। अब इनको सर्व करते हैं। देखिए मेरे वेज मोमोज तैयार हो चुके हैं, ये खाने बहुत ही अच्छे लगते हैं। और आप चाहो तो ये रेड वाली चटनी, लहसुन की चटनी है जो मैंने बनाई हुई है, ये मेयोनी है, इससे भी बहुत टेस्टी लगती है। तो ये रेसिपी आपको जरूर पसंद आई होगी, तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर कीजिए। थैंक यू।